शहडोल जिले में बंद पड़ी कोयला खदान में जहरीली गैस के रिसाव से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। खदान के अंदर से आज शनिवार को 3 शव बरामद किए गए हैं, वहीं एक दिन पहले शुक्रवार को 4 शव मिले थे। पुलिस के मुताबिक मरने वाले सभी लोग बंद कोयला खदान के अंदर कबाड़ चोरी करने घुसे थे। पुलिस ने SECL के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कहा जा रहा है कि खदान के अंदर 11 लोग घुसे थे, जिनमें से 4 अभी भी लापता हैं। शहडोल SP कुमार प्रतीक ने बताया कि आज मनोज पादरी, रोहित और राजेश मिश्रा के शव निकाले गए हैं। ये तीनों युवक भी धनपुरी अंडरग्राउंड कोयला खदान में कबाड़ चोरी करने गए थे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2023 को थाना धनपुरी क्षेत्र के अंतर्गत अंडरग्राउंड माइंस में हुई 4 व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित प्रकरण की जांच हेतु स्पेशल टीम का गठन किया गया है। 3 बॉडी आज बंद खदान से रिकवर की गई है, क्या पूरा मामला किस तरह का, क्या करना? इसमें हमारे पास सूचना आई थी कि 3 लड़के किसी बंद खदान में फंसे हुए हैं और उसके बाद से बाहर देखे नहीं गए हैं। हमने साइबर सेल की मदद ली, इनकी लोकेशन हालांकि बाहर आ रही थी मोबाइलों की, उस तरफ भी हम काम कर रहे थे और यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस प्रशासन और SECL की टीम मिलकर कर रही थी। उसमें अभी सफलता प्राप्त हुई और देर शाम में अभी 3 बॉडीज वहाँ से निकाली गई हैं, मेडिकल कॉलेज भेजी गई हैं। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये बात प्रकाश में आई है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही है और इसमें जो खदान इनको बंद करनी थी, प्रॉपर जो गाइडलाइन का फॉलो करना था सालों से, अभी के प्रबंधन की बात नहीं है, सालों से जो माइनें बंद हुई हैं इसमें ढंग से जो गाइडलाइन का पालन होना था वो नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं ये सब भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। तो उक्त लापरवाही के लिए प्रबंधन के विरुद्ध भी एक FIR अभी की गई है और आज जो बॉडी मिली है इस पर भी अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर 2 मामले कायम हुए हैं, अभी 1 हुए हैं और चूंकि बॉडी अभी मिली है यहाँ पे दूसरी घटना में, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन 2 दिनों के अंदर लगभग कितनी बॉडी अभी तक रिकवर हो चुकी है? कुल मिला के 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं।